दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सीएम के इस्तीफे से दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। संविधान के मुताबिक नए चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी को किसी दूसरे नेता को सीएम बनाना होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 11 फरवरी 2025 तक है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ ही दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की है। आपकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, आपके भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं, आपको जेल माननीय न्यायालय ने भेजा है, मैं फिर बता रहा हूं, और आपकी चोरियों के कारण भेजे, तो उसका जवाब आपको दिल्ली की जनता को देना होगा। और जहां तक चुनाव की बात है, आप नवंबर का इंतजार मत कीजिए, अभी अक्टूबर में चुनाव कराइए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तो तैयार है, दिल्ली की जनता भी तैयार है, वो चाहती है कि जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से मुक्ति मिले। सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे से पहले नए चेहरे को चुनने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। इससे अगले मुख्यमंत्री के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभावना कम ही है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास दिल्ली में चुनाव के लिए 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है।